जय माता दी। नवरात्र के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। माता की विधि विधान से किस तरह से पूजन करें, ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं। और कल माँ के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता की दिव्य पूजन किया जाता है, दिव्य दर्शन किए जाते हैं। लेकिन पूजन किस तरह से किया जाए, क्योंकि स्कंद माता सभी के कष्टों को हरण करती हैं और सुखमय जीवन बनाती हैं। लेकिन उसके लिए माँ को प्रसन्न करने की विधि हम आपको बताएंगे। हमारे साथ उपस्थित है पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या श्री स्वयं स्वकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पाप आत्मा नाम कृत ध्याम हृदय सुबोधे श्रद्धा सताम कुल जना तो विधि विधान से आपको पूजन की विधि बताएंगे, किस तरह से पूजन आप करें। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आपको दिव्य दर्शन कराते हैं माँ स्कंद माता के। सिंहासनगता नित्यं पद्माशित कद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता को सृष्टि की पहली प्रसूता स्त्री माना जाता है। उसके अलावा ये शक्ति की दाता भी है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है और दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। माता बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से आशीर्वाद देते हुए और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनकी पूजा का काफी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र और पवित्र रखकर स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्त भवसागर पार कर लेते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा पवित्र और एकाग्र मन से करनी चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती है। स्कंद माता की कृपा से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता की विधि विधान से की गई पूजा से कलह कलेश दूर हो जाते हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। स्कंद माता के आपने दर्शन किए और पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ है। पंडित जी, सबसे पहले तो माँ के स्वरूप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये पावन पवित्र नवरात्र के मध्य
कल हम पूजन करने जा रहे हैं पांचवी माता स्कंद माता। माँ दुर्गा के पांचवा स्वरूप स्कंद माता के रूप में होता है। स्वामी कार्तिकेय के रूप में माता स्कंद माता एक इनका ग्रह मंगल ग्रह है, जो संपूर्ण अमंगल को दूर करने वाली माँ स्कंद माता कहलाती है। जैसा कि मानते हैं कि जिनके जन्म कुंडली में या जन्म पत्री में मंगल प्रतिकूल है, उनको मंगल यहाँ पूजा करने से अनुकूल होता है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो भूमि भवन मकान इत्यादि से खरीदने से परेशान है, पैसा है मगर खरीद नहीं पा रहे उनके लिए, और जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए भी, और जो बेचना चाहते हैं उनके लिए भी। ये मंगल ग्रह की मालिक है, स्कंद माता की पूजा करने से घर में मंगल निश्चित रूप से होता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। माँ की पूजा के महत्व क्या है? देखिए माँ स्कंद माता को आपके घर में हलवा बना करके, हलवा पूरी सब्जी और साथ में चने बना करके विशेष रूप से माँ को अर्पण करना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा, स्कंद माता को लाल गुलाब का फूल अति प्रिय है, और इसके साथ यदि आप फल में लेते हैं तो केले का फल माँ को अति प्रिय है। इसके साथ आपको अपने पूजन का विधान, जैसा कि हम पिछले दिनों से आपको बताते आ रहे हैं सभी दर्शकों को, आप पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र से साफ करें, और तस्वीर को साफ करने के बाद आप चुनरी माँ को उड़ाएं, और अपना दीपक यदि अखंड है तो ठीक है, नहीं दीपक अखंड है तो दीपक में घी भरें और दीपक को प्रज्वलित करके अपना पूर्वाभिमुख होकर के पाठ करें। ये विधान के साथ मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके प्रेम और प्यार और उत्साह और दुलार, आपका भाव क्या कहता है, आपकी प्रसन्नता कितनी है, उसको लेकर के माँ प्रसन्न होती हैं, उसका लाभ मिलता है। भावे ही देवा वित्ते तस्माद् भावी कारणम, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। जहाँ श्रद्धा है, भाव है, वहाँ साक्षात देवी हैं, और माँ देवी भगवती आदि शक्ति, इनकी पांचवी शक्ति जैसा कि हम कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रकार के मंगल करने वाली देवी है। और इस पूजा में क्या ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि विधि विधान से हर कोई अपने हिसाब से तो अच्छे से पूजा करता है, मगर कुछ कमी न रह जाए या कोई ऐसी विशेष बात है जो खास ध्यान रखे पूजन के दौरान? हमारे दर्शकों के सामने जो आपने प्रसंग रखा है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से दिन भर व्रत रखता है या फलार पे है, तपस्या में लीन है, लेकिन जाने अनजाने से कोई त्रुटि होती है तो सारी पूजा का विधान नुकसान देता है। जैसे तुलसी माँ को हम पूर्व में बता चुके हैं कि तुलसी माता को नहीं चढ़ाएं, दुर्वा माँ को नहीं चढ़ाएं, लेकिन इसके साथ में कोई नाखून नहीं काटें, सेविंग नहीं करें, और लहसुन प्याज का इसमें निषेध रखें, तामसी भोजन को निषेध रखें। इसके अतिरिक्त बात करें तो उत्तर में सिर करके सिराना करके नहीं सोएं, और संध्या के समय जब गोधूलि वेला होती है संध्या के समय उस वक्त शयन नहीं करें, और ऐसे इन छोटी छोटी चीज़ों से आप ऐसे मोती हैं छोटे छोटे जिनसे आपकी भक्ति सफल में होती है। इसके साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कि दुर्गा सरस्वती के 13 अध्याय होते हैं, यदि आप 13 अध्याय सहस्वर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 13 अध्याय नहीं करते हैं तो आप 2 अध्याय करें, 2 नहीं करते हैं तो 1 अध्याय 2 अध्याय निश्चित रूप से करना पड़ेगा, तभी आपके 9 दिन में पूरे होंगे। तो ये मान लीजिए ये संस्कृत में है दुर्गा सप्तशती, आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पढ़िए। जो भक्त संस्कृत में दुर्गा सप्तशती के पाठ नहीं कर सकता वो हिंदी में पढ़े तो माँ तो प्रसन्न होगी। आपके भाव होने चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब माँ से प्रार्थना करें, माँ भगवती से आप जब पूजन कर रहे हैं तो लाल फूल हाथ में लें, और लाल फूल को लेकर के हाथ में, और फिर माँ से प्रार्थना करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशया, कि संपूर्ण प्रकार की मेरी बाधा हे मातेश्वरी आप दूर करें और स्वस्थ करें, क्योंकि माँ भगवती का ये स्वरूप है, ये पांचवा स्वरूप जो है ये बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा सुख को देने वाला है, परिवार में अमन चैन को स्थापित करने वाला है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो श्री रामचरित मानस में बड़े विनम्र शब्दों में कहा है
कि जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, रोजाना पूरे अध्याय कर सके, या फिर क्या ये मान के चले कि जैसे अब क्योंकि कामकाजी लोग होते हैं, पूरा वक्त वैसे नहीं दे पाते लेकिन करना चाहते हैं, भाव तो है, तो क्या इस नवरात्र में एक बार पूरे अध्याय हो जाने चाहिए, ये ज्यादा मायने रखता है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, आप 13 अध्याय नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, एक दो अध्याय निमित करें, तो 9 दिन के अंदर 13 अध्याय पूरे होना आवश्यक है। यदि आप रोज प्रतिदिन सहस्वर 13 अध्याय के पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, पर ना कर सकें तो कोई नहीं, 9 दिन में 13 अध्याय पूरा होना चाहिए जी। और वैसे भी देवी को मंगल की देवी कहा जाता है, मंगल दोष दूर होते हैं, हम स्कंद माता की बात कर रहे हैं क्योंकि कल उनके पूजन भी होगा, कैसे और उपाय किए जा सकते हैं इसके लिए कि मंगल दोष दूर हो? देखिए, उनके लिए कैसे खास? आपने बहुत अच्छी बात कही है, माता जी को लाल फूल, को मंगल लाल का प्रतीक है, लाल फूल जैसा हमने पहले ही बताया, लाल फूल समर्पण करें और साथ में लाल चुनरी, और ऐसी स्थिति में आप जब यज्ञ करते हैं, जोत देखते हैं, तो उसमें किशमिश और खोपरे की गिट्टी जो होती है उसका भोग लगाएं, और पकवान जो बना हुआ है उसका भोग लगाएं, और इसी के साथ में मंगल दोष निवारण के लिए यदि आप कहीं भी किसी भी देवी के चरणों में जा करके, कोई भी माता जी का जो प्रतिष्ठापित मंदिर है वहाँ जा करके लाल चुनरी उड़ाएं और लाल मोगरे के गुलाब की माला माता जी को अर्पण करें, आपका मंगल प्रतिकूल है तो आपके अनुकूल होगा और जन्मपत्री में मंगल दोष आपका निवारण होगा। जो कुंवारी कन्याएं जिनको शादी में मंगल बड़ा प्रभाव करता है, छोड़ता है, जिनको 4th, 8th, 12th घर में यदि मंगल है तो मांगलिक कहलाती हैं, उन परिस्थितियों में यदि कोई बच्ची को मांगलिक है और शादी देरी से हो रही है या नहीं बन पा रही है या शादी में अड़चन आ रही है, तो वो बहन यहाँ स्कंद माता को आज गुलाब का फूल, लाल चुनरी और माँ की जोत देखें, उनको निश्चित रूप से विवाह में सफलता मिलेगी और उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, और माँ के 9 स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूप पूजन का, इसलिए विधि बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है पंडित जी की कैसे। लेकिन अब बेहद खास यहाँ पर शुभ मुहूर्त है कि क्या होना चाहिए, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्कंद माता की पूजन के लिए वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं जब आप पूजन कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरह से पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार किस तरह से विधि विधान से पूजन करना चाहिए वो हमें बता रहे हैं। पंडित जी, अब सबसे अहम हो जाता है कि शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें पूजन किया जाएगा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकटभद्राय नियता प्रणता स्मृतम। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का सबसे सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। सूर्य उदय होने के साथ से ही 7:51 तक यहाँ आंसू का चौकड़े रहेगा, और इसी के साथ हम बात करते हैं 10:48 से लेके और दोपहर 1:30 तक चर लाभ अमृत का चौकड़े रहेगा। इस दौरान आप माँ भगवती का पूजन प्रारंभ करें और अपने पाठ भी आप संपन्न कर सकते हैं। ये हमारा एक समय पूजन का रहेगा। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि 1:30 से और 3 तक राहु काल है, जो कि प्रत्येक मंगल व शुभ कार्य खासतौर पूजा को भी निषेध माना गया है, उसमें कोई भी मंगल कार्य शुभ नहीं होता है। और वो विशेष मंत्र क्या है जो आम लोग भी कर सकते हैं पूजन के दौरान, क्योंकि आपको तो बहुत मंत्र आते हैं, लेकिन बाकी अगर और लोगों की बात करें जो व्रत करते हैं, तो एक दो ऐसे मंत्र जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सके और वो मंत्र बेहद अहम हो जाए पूजन के दौरान। आम मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, के सभी प्रकार की मंगल करने वाली माँ को आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब नैवेद्य माता जी को अर्पण करें तो ओम नाभ्या शिवे ओम नाभ्या अंतरक्षकों से देव भव संवर्धता पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन्ना, इस प्रसाद से आप नैवेद्य चढ़ाएँ
और जब लौंग इलायची या पान माता जी को अर्पण करते हैं। ओम यत्पुरुषेण विकाह देवा यगमतन्वता वसंतोषा सीता जन की दम शरद दवी। इस प्रकार से आप भावना करें, फिर माता जी सभी को ध्यान करें। ओम सप्ताशन परिधास्त्रे सप्त समृदाय कृता देवा जग तम बादनो अवधान पूर्वकम पशु महा। और जब हाथ में पुष्प लेकर के माँ की आरती करें। ओम जगने जग में जन दे वास्तान धर्माणि प्रतिमान्या सन्ना तेना कम महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। ये भाव है और मंत्र से माता का साक्षात स्वरूप आपके समक्ष होता है। और इसके बाद जब आप माता से प्रार्थना करेंगे तो माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। ओम सदमेनो सारद हो ओम तिदेवा यत्रान चक्रा धर संतु नाम पुत्रासो यत पितरो भवंति मानो मध्यारी कथाभ्रंतो हो। कि आपकी सत आयु हो, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में आपके घर में अमन चैन शांति स्थापित रहे, आपके व्यापार में वृद्धि हो, समृद्धि हो, ये माँ का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा श्वेता जी, कि ये जो नवरात्र हैं 9 दिन के, खासतौर पर साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें विशेष नवरात्रा आश्विन मास के नवरात्र हम मानते हैं। आश्विन मास का ये नवरात्र हैं शारदीय नवरात्र। इस दौरान जो भक्ति करता है उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और विशेष रूप से आप देखें कि पंचमी और गुरुवार, तो ये राजयोग यहाँ बना हुआ है, जो कि हम मानते हैं कि इसमें बहुत विशेष किए जो पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उनका विशेष लाभ होता है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ जो जिन हाथों से हम भगवान की सेवा करते हैं, देवी की सेवा कर रहे हैं, उन हाथों से ऐसा गरीब लोगों की मदद भी करनी चाहिए इन दिनों के अंदर, तो वो आपके कार्य में 4 चांद लगते हैं। एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सेवा कर रहे हैं, तो फिर कमी क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद। बिल्कुल। और जिस तरह से हम अलग अलग माँ के स्वरूप हैं, पूजन की विधि भी अलग होती है, स्कंद माता को क्या पसंद है, भोग में क्या खास लगाया जाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। विशेष तौर पे हलवा जो है, माँ को आज बादाम का हलवा बना के माँ को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, और हलवे के साथ लाल गुलाब का फूल, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, और लाल चुनरी, और जो घर में पकवान बनाते हैं उसमें चने जरूर बनाना चाहिए, पूरी खीर तो है ही ये। और यदि पीला मिष्ठान जैसे कि केसर की बर्फी है, तो केसर की बर्फी अवश्य चढ़ानी चाहिए। दाम्पत्य सुख और संतान सुख देने वाली माँ है। हाँ, बिल्कुल। उस अगर परिपेक्ष में बात करें तो उसमें पूजन में भी क्या कुछ अलग चीजें हैं जो हमें और करनी चाहिए? दाम्पत्य सुख में ये बहुत वृद्धि करती हैं और संतान सुख का भी वृद्धि करती हैं। जिन लोगों के वैचारिक मतभेद परिवार में पति पत्नी के बीच में है, ऐसे जातक आज एक चौकोर फटकड़ी ला करके माँ के चरणों में रखें, और माँ के चरणों में रखने के साथ उसे जो आप जब पाठ करते हैं कलश में जल भरा हुआ है, उस कलश में से थोड़ा जल लेके उसे धो करके और आप सिराने रख दें, तो कभी दाम्पत्य दोनों में आपसी तालमेल में कोई कमी आएगी नहीं। ये दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखमय बनाने वाली माता है और संतति सुख भी देती है, संतान का सुख। जिन लोगों को संतान है पर अस्वस्थ है, या संतान नहीं है, या पुत्र की कमी है, ऐसे भक्त भी आज के दिन माँ के चरणों में पीला, कोई भी पीला वस्त्र ला करके और पीली दाल ला करके उस वस्त्र में रख करके एक सुपारी रखें, एक चांदी का सिक्का रखें, और संतान गोपाल में संतान प्राप्ति का मंत्र है उस मंत्र का जाप करें, और केवल 21 बार करें, और फिर से पोटली बांध करके अपने सिराने की तरफ रखें, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, वह संतान का सुख प्राप्त होता है। जी पंडित जी, कहते भी कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, भक्त हैं, जो चाहते हैं कि वो 9 दिन का व्रत करें, लेकिन या तो अस्वस्थता के कारण नहीं कर सकते हैं, या फिर इतना टाइम शेड्यूल ऐसा हो जाता है, रूटीन ऐसा है कि वो उस तरह से विधि विधान से पूजन नहीं कर पाते, उनके लिए क्या विशेष है? भाव तो है मन में लेकिन व्रत नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसे ऐसे सभी भक्तों के लिए हम बताना चाहेंगे, जो अपने कार्यकाल के बिजी के तौर पर या फिर किसी कारण से आप नियमित रूप से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भक्त सुबह आरती के समय माँ के पूजा में आरती में उपस्थित हो जाएं,
यदि सुबह उपस्थित नहीं होते हैं तो शाम को बाकी आरती में उपस्थित हो जाए। मान लीजिए आपके घर में अनुष्ठान या आपने घट स्थापना नहीं की है तो कोई बात नहीं, किसी भी मंदिर में जहाँ माता जी का मंदिर हो वहाँ जाकर आरती में सम्मिलित हो जाए। यदि आपके राम उपासक हैं तो राम जी की आरती में उपस्थित हो जाए, हनुमान उपासक हैं हनुमान जी की आरती में उपस्थित हो जाए, मान लीजिए भैरव उपासक हैं तो भैरव मंदिर में उपस्थित हो जाए। तो ये आरती का जो है एक लाभ, वो संपूर्ण पूजा का लाभ आपको मिल सकता है और वो आरती में उपस्थित होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा बिजी है कम से कम 5 मिनट का समय निकाल सकते हैं और संपूर्ण परिवार के साथ वहाँ उपस्थित हो। और व्रती के लिए कुछ खास जो फलाहार करते हैं, कई लोग फल पे रखते हैं, कई एक टाइम में सेंधा नमक खाते हैं, ऐसा कुछ इसमें नवरात्र में है क्या कि आपको यही फलाहार करना है या फिर अपनी शक्ति के अनुसार? देखिए ये भावे ही देवा वेत्ते तस्मात् भावे ही कारणम, जिसकी जैसी भक्ति है, जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी अपनी मन की इच्छा है, वो उसके ऊपर है। आप इसमें देखिए ये भी है कि निहार भी लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं लेते, तुलसी का पत्ता लेते हैं तो वो भी व्रत करते हैं। ये सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर से एक बाहर से। अंदर का सन्यासी जो मन से है और एक बाहर का जो जैसे संत महात्मा दिखते हैं हमको, एक ग्रस्त में रहकर के सन्यासी के रूप में तपस्या करता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी अपनी श्रद्धा है। कई लोग दिन में एक बार भोजन लेते हैं, कई बार तुलसी के पत्ते पर रहते हैं, कई लोग फलहार पर रहते हैं, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। और श्वेता जी, श्रद्धा तब होती है जब स्वस्थ होता है। तो आदमी को स्वस्थ रहते हुए भक्ति करता है तो उसको फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, ये बात सही की आपने। और इसलिए कहते हैं कि अपने पुण्य है जो कमाने चाहिए और अपने कर्म है जो अच्छे करने चाहिए ताकि अपना अगला जन्म भी बहुत अच्छा जाए। बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम आपने अहम जानकारियां दी और हमारे दर्शकों को, क्योंकि कल स्कंद माता की विशेष पूजन करेंगे और पंडित जी ने जिस तरह से बताया है आप लोग तैयारी अभी से कर सकते हैं कि कल किस तरह से सुबह उठकर पूजन करना है, किस मुहूर्त में करना है। और स्कंद माता सभी की कष्टों को दूर करती हैं, सुखमय जीवन बनाती हैं। चलिए इसी के साथ हमारे आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, जय माता दी।